हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया बनकर जितेंद्र कुमार ने बनाया था सबको अपना फैन। आईआईटी से पढ़ाई के बाद बने हैं एक्टर। आज हम बात कर रहे हैं जीतू भैया के नाम से जाने वाले जितेंद्र कुमार, जो कि वेब सीरीज़ में अपनी शानदार एक्टिंग से सभी का दिल जीत चुके हैं और बॉलीवुड में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और ये जीतू भैया जो हैं कोटा फैक्ट्री के लिए जाने जाते हैं, जो कोटा फैक्ट्री एक सीरीज़ आई थी वेब सीरीज़, उससे फेमस हुए हैं। तो इस वीडियो में आप साथ ही उनका स्केच जो मैं बना रहा हूँ वो देख रहे हैं, और साथ में मैं उनकी थोड़ी बहुत बायोग्राफी आपको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, तो आप उसका भी मज़ा ले सकते हैं। तो चलिए और आगे मैं बता देता हूँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कई कलाकार ऐसे हैं जिन्होंने सपना तो एक्टर बनने का देखा था, मगर उसे पूरा करने से पहले उन्होंने पढ़ाई किसी और लाइन की। ऐसे ही एक्टर हैं जितेंद्र कुमार, जिन्हें हर कोई जीतू भैया के नाम से जानता है। जितेंद्र कुमार जो कि हैं राजस्थान के अलवर ज़िले के रहने वाले हैं। जितेंद्र को हर कोई कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया के नाम से जानता है, जो बच्चों को पढ़ने के लिए अपने ही अंदाज में मोटिवेट करते हैं और कभी भी किसी चीज़ से भागने की सलाह नहीं देते हैं। जितेंद्र ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने से पहले इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो आइए आज आपको जितेंद्र की लाइफ के बारे में बताते हैं कि वे कैसे इंजीनियरिंग करके OTT प्लेटफॉर्म पर धमाल मचाने के बाद अब फिल्मों में भी छाए हैं। जितेंद्र को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। वे बचपन से अपने शहर की रामलीला में एक्टिंग किया करते थे। तब शायद जितेंद्र ने सोचा भी नहीं था कि वे एक दिन इतने बड़े एक्टर बन जाएंगे। जीतू भैया ने IIT खड़गपुर से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की। उस समय से ही उन्होंने एक्टिंग को सीरियसली लेना शुरू कर दिया था। वे थिएटर में भाग लेने लगे थे। कॉलेज के दौरान वह अपने सीनियर बिस्वा से मिले थे। उस समय द वायरल फीवर में काम करते थे और उन्होंने जितेंद्र को भी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहा था। उसके बाद जीतू द वायरल फीवर का हिस्सा बन गए और उनके कुछ वीडियो आने लग गए थे। वह उनकी वेब सीरीज़ में छोटा मोटा रोल निभाते हुए भी नज़र आते जाते थे। वह वायरल फीवर की मुन्ना जज्बाती में नज़र आए थे, जो रिलीज़ होते ही वायरल हो गया था। इस वीडियो को 3 मिलियन व्यूज़ मिले थे। जितेंद्र ने परमानेंट रूममेट्स, TVF फीचर, बिस्ट प्लीज, पंचायत, कोटा फैक्ट्री जैसी कई वेब सीरीज़ में काम किया है। इन वेब सीरीज़ ने उनकी एक्टिंग और किरदार दोनों को ही पसंद किया जा रहा है। तो हाल ही में जितेंद्र की पंचायत 2 जो कि OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ हो गई है, तो उस पर भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं। काफ़ी अच्छा सीरीज़ कंटेंट मिला है। OTT प्लेटफॉर्म पर धमाल मचा चुके जितेंद्र ने अब बॉलीवुड का रुख कर लिया है। वे आयुष्मान खुराना के साथ सुम मंगल ज़्यादा सावधान में नज़र आए थे। इस फिल्म में उनकी एक्टिंग की खूब तारीफ की गई है। इसके बाद वह चमन बहार में नज़र आए। जीतू भैया के पास इस समय कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर वह काम कर रहे हैं। तो ये साथ ही मैंने आपको इस स्केच वीडियो के साथ साथ आपको उनकी बायोग्राफी के बारे में बताया। तो आप ये स्केच वीडियो भी देखते रहिए और इस स्केच कैसा लगा ये भी आप लाइक कर दे बता देना, कमेंट करके बता देना कैसा लगा। और जो आपको जीतू भैया की एक्टिंग और जो ये फिल्मों में काम कर रहे हैं ये कैसा लग रहा है वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो भी अब आगे से जो भी होंगी ऐसे ही मैं स्केच भी बनाऊँगा और साथ में जिसकी भी स्केच बनाऊँगा उनकी बायोग्राफी भी साथ में शेयर करूँगा, ताकि आपको दो चीज़ें मेरी वीडियोस सीखने को मिले, एक तो स्केचिंग भी और साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन भी मिल जाए। तो ठीक है, आप इस वीडियो में बने रहिए, एक स्केच वीडियो कंप्लीट देख लीजिए और उसके बाद मुझे बताना कि स्केच कैसा लगा और बायोग्राफी जो मैंने आज बताई वो कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना कैसी लगी, और कुछ भी कमी हो तो वो भी कमेंट करके बता देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ओके, आप वीडियो ये कंटिन्यू करिए। थैंक यू।